आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में नरेश गोयल जी का फीडबैक शेयर कर रहे हैं उनकी डॉक्टर रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन के साथ। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी टिनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। हाँ नरेश गोयल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर आप मुझे बताएंगे आपकी एज क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी एज है 59। ओके। और मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम है नरेश गोयल। Okay. और मैं ये टिनाइटिस का जो ट्रीटमेंट है करीब पिछले 6 महीने से ले रहा हूँ जी। और मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग का काम रहता है एक्चुअली। ओके। तो कंटिन्यूसली मैं ये लेता रहता हूँ। दिन में कभी 3 बार लेता हूँ या 2 बार लेता हूँ, मतलब मिनिमम 2 बार तो लेता हूँ। ठीक है। मेरा सेशन अभी 10 मिनट का है। Okay. और जहाँ तक मेरे इम्प्रूवमेंट की बात है, मेरे को ऐसा पता अभी तक खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको? लेकिन मेरे काम करने में जी और मेरे सोने में मुझे कोई अभी डिस्टरबेंस नहीं है। मतलब ये ऐसा बैकग्राउंड पर रहता है। मतलब मेरे सोने में कोई दिक्कत नहीं है अभी। बिकॉज वो इंटेंसिटी सर ऐसे ही बेटरमेंट आता है क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ अभी। क्योंकि देखिए पहले इंटेंसिटी सॉफ्ट होती है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, फिर रिडक्शन चलती रहती है। जब तक कि वो 100% नहीं ठीक होगा वो तो आपका चलेगा ही। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? आपने हमारे बारे में आपको कैसे पता चला सर? आपके बारे में जी मैंने एक्चुअली नेट पे सर्च किया था। और नेट पे सर्च करने के बाद फिर मैंने आपका मैं एक बार अपनी विजिट में था दिल्ली में जी। तो वहाँ मैंने आपका आपका सेंटर मतलब विजिट किया था। हाँ। और सेंटर विजिट करने के बाद वहाँ पे कुछ उन्होंने डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे मेरे, 2-3 टेस्ट किए थे उन्होंने। ओके। एंड टेस्ट करने के बाद उन्होंने फिर ये मेरे को मशीन रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है। जिसमें ये आपकी एक तो एक एक दूसरा मशीन था और ये एक दूसरा मशीन जो मैंने लिया हुआ है जी, ये कुछ ये शायद थोड़ा कुछ बेटर वाला मशीन है। हाँ, हाँ, पड़ा यस सर। तो ये मशीन मेरे को दिया गया था। और मशीन लेने के बाद मेरे को मतलब पहले 3 महीने तो ऐसा मतलब कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, पर 3 महीने के बाद मेरे को इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गया, नींद इम्प्रूव हो गई, नॉर्मल ट्रैवल करें तो भी नॉर्मल लगने लगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है सर। रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो बॉडी ब्रेन जैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो वैसे वैसे चेंजेस स्टार्ट होते हैं। एंड विच इज़ वेरी गुड कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है आप शुरू में बहुत परेशान थे। सो अभी जैसे आपको काफ़ी पेशेंट सुन रहे होंगे सर, तो आप उनको कुछ अवेयरनेस के लिए बताना चाहेंगे कि अगर उनको ये दिक्कत हो तो वो कहाँ जाएँ, किससे डिस्कस करें, कहाँ पर दिखाएँ? देखिए मेरा मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि कोई भी पेशेंट स्पेशली जो टिनाइटिस से परेशान है, उन्हें धमकों में किसी भी तरह की अगर परमानेंट आवाज़ें आती हैं जी, तो डेफिनेटली वो अपने ENT डॉक्टर के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। मैंने इससे पहले करीब करीब 3 या 4 डॉक्टरों को दिखाया है। अच्छा। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा के पास जाना है और मैंने किया और मेरे को अभी इम्प्रूवमेंट है। मतलब थैंक यू सो मच सर। एंड एक लास्ट चीज सर, क्या मैं ये आपका ऑडियो फीडबैक अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकती हूँ फॉर अवेयरनेस के लिए बाकी पेशेंट्स के? कोई दिक्कत नहीं मेरे को। थैंक यू मेरे को कोई दिक्कत। थैंक यू नरेश सर। ओके।